मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया। नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी और आप मुझे सुन रहे हैं www.rjmala.com पर। मालिनी जी, सबसे पहले वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मालिनी जी, आज आप दिल्ली में हैं, क्या खास बात है? वर्ल्ड बुक फेयर है, अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, बहुत खूबसूरत सूरज आज एकदम नारायण प्रकाशित है। संडे है, फरवरी का खूबसूरत महीना है। बुक फेयर में मैं हमेशा आती रही हूँ, नेशनल बुक फेयर हो, वर्ल्ड बुक फेयर हो, जब तक मैं यहाँ थी, बल्कि पहले मैं नोएडा में थी तो भी मैं आती रही। लखनऊ में बुक फेयर आते हैं, उसमें भी मैं हमेशा आती हूँ किताबें लेने के लिए, ख़रीदने के लिए। मालिनी जी, जानना चाहेंगे आपके सिंगिंग करियर के बारे में, आपने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और किस तरह से आप इस मुकाम पर पहुंची? बहुत लंबी कहानी है, कभी कभी सोचते हैं उस पर किताब लिखूं। कई बार मुझे कई लोग बोल चुके हैं, क्योंकि बहुत पुरानी, मैं जितनी बड़ी हूँ तभी से संगीत सीख रही हूँ, 5-6 बरस की थी। और गाने बजाना सीखने के पीछे संगीत शिक्षा मेरे पूरा माता पिता का ही हाथ, उन्हीं की ही देन है। ये परिवार में संगीत कोई मतलब परंपरा नहीं थी, कोई गाता नहीं था। वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल ब्राह्मण परिवार था, तो मंच पे कभी गाऊंगी या इसको, तो वो तो कभी किसी ने कल्पना, मैंने भी नहीं की थी, किसी ने नहीं की होगी। लेकिन एक ऐसा हुनर है जो आना चाहिए, ये ज़रूर था। बाकी मेरा नसीब था कि मुझे ऐसे गुरु, ऐसे उस्ताद मिले। और फिर धीरे धीरे सोच, एक कहते हैं ना, वो जुनून कलाकार का जब तक भीतर से नहीं होता तब तक बात बनती भी नहीं। तो कुछ उनकी शिक्षा, कुछ अपनी अंतःप्रज्ञा, बात बन गई। तो शुजात हुसैन खान साहब थे रामपुर घराने के, उनसे क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। राहत अली खान साहब थे जो दलेर मेहंदी के भी गुरु हैं, हमारे गुरु भाई हैं वो, गोरखपुर में, उनसे सीखा। और उन्होंने शास्त्रीय संगीत के अलावा गज़ल, दादरे, यहाँ तक कि भोजपुरी भी, निर्गुण, बहुत सुंदर वो रचते थे धुनें उनके साथ, और बड़ी टेढ़ी धुनें बनाते थे। तो उसका लाभ एक ये हुआ कि बहुत कच्चे गले में, बहुत छोटी उम्र में मुश्किल चीज़ों को कहने की आदत पड़ गई। फिर उसके बाद भातखंडे म्यूज़िक यूनिवर्सिटी आई, वहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया क्लासिकल वोकल में। और पिछले 14 बरस से तो पद्मभूषण गिरजा देवी जी, उन्हीं के सानिध्य में हूँ, ठुमरी की शिक्षा ले रही हूँ। गिरिजा देवी जी से आपने ठुमरी की शिक्षा जी, उनसे वो क्या चीज़ें आपको मिली जो आपको लगता है कि किसी और से या कहीं और से आपको नहीं मिल सकती? देखिए, वो अकेली हैं, वो जो हैं वो बेजोड़ हैं। एक नायाब चीज़ होती है ना, जिसका कि कोई पर्याय नहीं है, अप्पा जी कहते हैं हमको उनको आदर से। गिरजा देवी जी बिल्कुल अपने में अनूठी हैं, और ये बात सिर्फ उनकी विद्या या कला के मामले में मैं नहीं कह रही हूँ। वो एक ऐसी गुरु हैं जो कि स्वभावतः बहुत उदार हैं, देना जानती हैं शिष्यों को बहुत तल्लीनता से। आज भी गुरु शिष्य परम्परा की तरह से ही अपने शिष्यों को सिखाती हैं और पढ़ाती हैं। जैसे कि शुरू से ही उनको ही धीरे धीरे रुचि पता थी मेरी, कि मेरी लोक संगीत में और रेयर लोकगीतों को चुनकर गाने में है, तो वो मुझे ऐसे गाने बताती रहीं। तो उनकी तो गाने के अलावा बहुत कुछ उनसे, गाने के साथ साथ कहूँगी, सीखने को है। वो शी इज़ अ वंडरफुल होस्ट, मेहमान नवाजी क्या होती है, खाने का भी नई रेसिपी होगी तो भी तुरंत बनाओ, कैसे बनाओ, वो सब तो वो कमाल है। उनसे तो जीवन जीने की शैली भी मैंने उनसे सीखी है। मालिनी जी, जानना चाहेंगे आपके शास्त्रीय संगीत के मुश्किल आपने सीखा, योर ट्रेंड सिंगर जी, तो जानना चाहेंगे कि जब आपने सीखना शुरू किया, और आज की डेट में हम देखते हैं आप ज़्यादातर फोक म्यूजिक पर या तो केंद्रित रहती हैं, या फिर आप ठुमरी वगैरह या सूफी की तरफ भी धीरे धीरे आपका रुझान उस तरफ भी है, तो जानना चाहेंगे क्या डिफरेंस आपने पाया इन सब फील्ड्स में? आरजी माला, आजकल जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी आप यदि अल्ट्रासाउंड हो या उसकी आप टेस्ट्स कराएं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बच्चे के बैकबोन होती है, जो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, बाद में धीरे धीरे हाथ पैर आँख सब आकार पाते हैं। शास्त्रीय संगीत इसी तरह से बैकबोन है, मेरुदंड है हर प्रकार के संगीत की। तो वो तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बचपन में ही शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग हुई, और करीब शायद शुरुआत के 20-25 साल तो सिर्फ पलटे और सरगम का ही रियाज करा मैंने। शास्त्रीय संगीत के रियाज के बाद आगे किस विधा में कलाकार की रुचि है
और उसमें वो रुचि कितने परवान चढ़ती है, ये तो देखिए कलाकार की खुद की अपनी अंदर की इनर कॉलिंग क्या है, वो किस ओर जाना चाहता है, उसको क्या चीज़ है जो पुकारती है। वो मुझे हमेशा ठुमरी और लोकगीत के लिए लगा, क्योंकि आज भी आपने खुद कहा कि आपने जहाने खुसरो मुझे सूफ़ी सुना है, तो वो मेरे उस्ताद थे, चूँकि वो मुस्लिम थे, बड़ी अच्छी उर्दू थी, तो इसलिए फ़ारसी और उर्दू का मेरा प्रोनंसिएशन भी अच्छा है। अप्पा जी की वजह से ठुमरी बनारस घराने की पूरा अंग। और यदि आप पुरानी जो हमारे लखनऊ में आप ये बेगम अख्तर साहिबा की यदि बात करें, 100 बरस इस बार उनकी जन्म शताब्दी मन रही है, गज़लों के संग संग वो होरी भी गाती थी, कजरी भी गाती थी और पूर्वी भी गाती थी, तो मैं एक ऐसी कलाकार के रूप में ही जानना जाना चाहती हूँ। मालिनी जी, बहुत सारे प्रोग्राम्स अब हैं, क्योंकि अब rjmala.com तो कुछ म्यूजिक के साथ इन्वॉल्व करके एक ऐसा नया कुछ तैयार किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक जो लोगों को भी पसंद आ रहा है, लेकिन शास्त्रीय संगीत से पीछे पिछड़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या और चीजें होनी चाहिए दूरदर्शन या आकाशवाणी की तरफ से, जिससे कि शास्त्रीय संगीत को और बढ़ावा मिले? देखिए, शास्त्रीय संगीत मर्यादा और वर्जनाओं में बंधा हुआ है, वो आपको उसके संग छेड़छाड़ की इजाज़त नहीं देता, और ऐसा होना भी चाहिए। वो ऐसा ना होता तो अपना स्वरूप इतनी सदियों से कैसे बना के रखता। rjmala.com इसी तरह से लोकगीत भी है, लोक संगीत में भी जो हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जिस धुन में आज भी गाई जाती हैं, ऐसे ही सदियों से गाई जाती रही। आज भी बड़े बुजुर्गों के सामने जरा भी सुर ऊपर नीचे करी वो टोक देते, नहीं नहीं, जबकि वो जो टोकते हैं उन्होंने कहीं संगीत की शिक्षा नहीं ली और कहीं सीडी में रिकॉर्ड में गाने नहीं सुने, लेकिन उनको पता है और परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। इतने हार्ड लाइनर्स हैं, फ़ायदा उसका ये है कि चीज़ें अपने मौलिक रूप में सुरक्षित रह जाती हैं। अब बात बताई फ्यूजन की, जो चीज़ समय के साथ चलती है वो स्थायी रहती है, मैं ये बात मानती हूँ। ये वैसे ही जैसे हारमोनियम शब्द ही हारमोनी है, यानी विदेशी शब्द है, तो पहले तो एक तारा तानपुरे पे गाना होता था। हारमोनियम को जब हमने भारतीय संगीत में एक्सेप्ट कर लिया, जैसे मृदंग पखावज का तबला ईजाद हुआ, तबला भी अब हिंदुस्तानी हो गया, तो बड़ी बात नहीं कि 200-300 साल बाद पियानो और आपके सिंथेसाइजर, स्पेनिश गिटार भारतीय साज ही माने जाएंगे और लोकगीतों के शायद साज माने जाएंगे। इतनी तब्दीली तो होगी। फ्यूजन में भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। मैं आपसे दूसरी बात पूछती हूँ, क्या कारण है कि कुछ नया नहीं रचते फ्यूजन के लिए, क्यों फोक की तरफ आते हैं? rjmala.com बस बात यही है कि वहाँ एक कैरेक्टर है, एक इमोशन है, इमोशन से ही हम सब जुड़े हैं। उनको फोक में वो इमोशन दिखता है जिसपे उसके आसपास रचते हैं। आप अपना क्रिएट कीजिए, जैसे बॉलीवुड में हुआ, उन्हें जहाँ पे इमोशन की ज़रूरत थी लोकगीतों का सहारा लिया हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अपने गाने भी रचे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने। तो फ्यूजन वालों को भी अपनी धुनें ईजाद करें, अपने कॉम्पोजिशंस बनाए, लेकिन फोक को फ्यूजन में करते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है और बहुत पॉपुलर भी हुए हैं, अच्छा काम की हमेशा सराहना होनी चाहिए। तो फ्यूजन यदि तबीयत के साथ उस कंटेंट को, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति चला जा रहा है अपने घर की याद पे, परदेश में है और अपने घर की याद कर रहा है, उसकी एक विरह की भावना, वैसी ही धुन बनी है। अब उसको आपने रॉक में प्रेजेंट किया, लेकिन रॉक में प्रेजेंट करने का आपका तरीका से वो एंटरटेनमेंट का गाना लगने लगा, तो यू आर चीटिंग ऑन द इमोशन ऑफ दैट सॉन्ग। ऑल आई एम सेइंग, ऑल फ्यूजन वगैरह सब सही है, इफ़ यू आर इन द कैरेक्टर एंड विद द इमोशन, वहाँ जस्टिस होनी चाहिए। मालिनी जी, आपको बहुत सारे अवार्ड, तो कई सारे अनुभव हैं बहुत अच्छे। एक तो मैं बांटना चाहूँगी, मॉरिशस गई थी मैं विश्व भोजपुरी सम्मेलन में, ICCR से, आज से 12-13 साल पुरानी, इतना तब नाम भी नहीं हुआ था। तो मैं वहाँ गई और मैंने पहले दिन गाना गाया, खूब जम गया। उन्होंने बाकी कलाकार थे लेकिन फरमाइश की कि आपका रोज़ होगा प्रोग्राम। आखिरी दिन जिस दिन फिनाले था, ख़त्म था, हम लोग सारे डेलीगेट्स, क्योंकि विश्व के बहुत सारे स्कॉलर्स और डेलीगेट्स आए थे, तो मॉरिशस के राष्ट्रपति आए थे जो उसमें चीफ गेस्ट थे। तो आखिरी दिन जो समापन होता है प्रोग्राम, तो लाइटिंग ऑफ द लैम्प जब हुई तो प्रेसिडेंट को बुलाया गया मंच पे। वो प्रेसिडेंट मंच पर आए और उन्होंने आकर के कहा कि द आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया मालिनी
कैन वी जस्ट रिक्वेस्ट हर टू कम ऑन स्टेज. तो मैं तो एकदम दंग, क्योंकि इतने बड़े बड़े वहाँ महारथी आए थे कि मुझे लगा मैंने कुछ गलत सुना. मैं वहाँ क्या करूँगी, लाइटिंग द लैम्प इज़ अ वेरी ऑफिशियल सेरेमनी. तो ही इंसिस्टेड और मैं फिर मैं गई. तो प्रेसिडेंट ने वहाँ पे कहा कि आपने चार दिन में ऐसा गाकर देश को मोह लिया कि मैं आज ये नेशनल ये ऑनर है लेकिन इसका हक मैं नहीं ले सकता, ये आज आप ही करेंगे. ये एक बहुत छोटी सी बात, लेकिन एक पराई धरती में जहाँ हमारे पूर्वज ही गए हुए हैं पहले से मॉरिशस, वहाँ पर ये सम्मान देना किसी भी बड़े अवार्ड से बहुत बड़ी बात थी. दूसरा, आज से करीब 4-5 साल पहले संडे का दिन था, मुझे बॉम्बे से कॉल आई, HT का इंटरव्यू था. लता जी 80 बरस की हुई थी लता मंगेशकर जी उसी दिन, कि उनसे उनके फेवरेट आर्टिस्ट पूछे गए थे और उन्होंने HT कैफे को अपने इंटरव्यू देने में सोनू, सुनिधि, जावेद अली सबका नाम लिया और नए टैलेंट्स में मेरा नाम लिया. और मैंने यकीन नहीं किया, मुझे लगा जिन्होंने बताया ऐसे मेरे को बेवकूफ़ बनाया है. तब तक एडिटर जो लखनऊ की थी हिंदुस्तान टाइम्स की, उनका कॉल आया कि हम आज ये वर्जन ले रहे हैं वहाँ की स्टोरी और अपने आप ही छाप रहे हैं, डिड यू रीड दैट इंटरव्यू. तो मैंने पे नेट पे देखा, तब मुझे यकीन हुआ. तो लता जी का मेरे प्रशंसा करना, ये एहसास कि वो मुझे देखती हैं, सुनती हैं और प्रशंसा की उन्होंने, तो बहुत बड़ी बात है. किसी कलाकार को जिनको हम लोग लिविंग सरस्वती मानते हैं, उन्हें नाम याद रहा और प्रशंसा की. तो मैं तुरंत मैंने अप्पा जी को फ़ोन किया, गिरजा देवी जी अपने गुरु, हमने कहा अप्पा जी आपको मालूम है लता जी ने आज अपने फेवरेट आर्टिस्ट से मेरा नाम लिया है. तो वो एक बहुत यादगार अनुभव रहा है. बाकी बहुत खुशी हुई थी जब अपनी स्टेट का यश भारती अवार्ड, UP का हाइएस्ट अवार्ड हमारे स्टेट का है, वो मुझे दिया गया. और कई सारे मतलब अवार्ड तो जैसे फिजी गए गाने के लिए, पाकिस्तान गए बुलाने के लिए, तो वो एक एक जो कॉम्प्लीमेंट होता है दर्शकों का आना मिलना, वो सारे अवार्ड्स लगते हैं. मालिनी जी, पीछे अवार्ड्स से रिलेटेड ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई एक अवार्ड था जो आपको मिला था और उसके बाद मनोज तिवारी और कुछ. दिक्कत यही है कि वो कंट्रोवर्सी के बारे में जानते ही डिटेल में बहुत कम लोग हैं, लेकिन विवादों के संग सबसे एक उसका दुखद पहलू यही होती है कि डिटेल कभी पता नहीं चलते. अवार्ड सेरेमनी नहीं, दरअसल बिहार भोजपुरी अकेडमी ने एक अवार्ड फंक्शन किया जिसमें हम लोगों को बहुत लोगों को सम्मानित किया, हम भी सम्मानित हुए, कई कलाकार और सम्मानित हुए. उसके 10-15 दिन बाद उन्होंने मुझको एक पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ बिहार भोजपुरी अकेडमी की ब्रांड एम्बेसडर हो जाइए. विवाद इस पर था, अवार्ड पे नहीं. मुझे भी आश्चर्य हुआ कि बिहार से आ रहा है कि बिहार की, क्योंकि मैं तो ये जग जाहिर है कि मैं लखनऊ की हूँ, लेकिन जितने कार्यक्रम मैं उत्तर प्रदेश में करती हूँ उतने ही शायद बिहार में या उससे ज़्यादा करती हूँ. वहाँ पे मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्यार देते हैं और शायद बिहार का कोई ज़िला बचा नहीं है, शहर, जहाँ मैंने कार्यक्रम अपने एक एक दो दो तीन तीन बार न जा कर के दे दी हूँ. तो बस उन्होंने बुलाया और मुझसे कहा कि आप इसको, ये तो अवैतनिक है. तो मैंने उनसे कहा कि मैं, आप बिहार से किसी को ले लें, मैं तो यहाँ. तो उन्होंने कहा नहीं, कारण है इसका कि हम चाहते हैं कि भोजपुरी के प्रति जनमानस में जो एक छवि है, आप जितनी शालीनता और गरिमा से गाती हैं और भाषा कोई परिधि नहीं, भले ही हम बिहार से काम कर रहे हैं, लेकिन जितने ज़िलों में बिहार में भोजपुरी बोली जाती है उससे कहीं ज़्यादा ज़िलों में UP में भोजपुरी बोली जाती है. गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, जौनपुर, फैज़ाबाद, सब भोजपुरी बोली जाती है बिहार से ज़्यादा. तो भोजपुरी तो वो तो पॉलिटिकल डिवीज़न है स्टेट्स का, भोजपुरी का प्रचार प्रसार तो यूपी में भी आधे यूपी में बोली जाती है. तो इस नाते हम आपको, मैंने आमंत्रण स्वीकार किया. उस पर कुछ लोगों को जो स्वयं भी बिहार से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, उनको कुछ, मुझे लगता मैं इसमें अपना अपने आप इसकी जवाब में कुछ भी किसी दूसरे पर टिप्पणी करना, मुझे लगता मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से उतना वो नहीं देता. लेकिन मुझे लगता या तो किसी को दूसरे को सम्मान मिले उसमें परेशानी क्यों होती है, इसका तो जवाब सुनने वाले पाठक या दर्शक ही समझ सकेंगे कि क्यों होती है. असुरक्षा हुई होगी या ईर्ष्या हुई होगी या फिर भाई किसी को सम्मान मिल रहा है, ये एक दुनिया है. आज यहाँ 350 इस बुक फेयर में साहित्यकार आए हुए हैं, आज यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों किताबों का विमोचन होगा. अगले को दूसरे से क्यों हो सकता है कि उसका विमोचन भाई तुम्हारा भी हो, कभी हो. ये भाषा की बात थी, बोली की बात थी और महिला का स्त्री से तो कभी मुकाबला कला और उसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने विवाद किया वो फिल्मी है. मैं तो इल्मी हूँ, मैं फिल्म में गाती नहीं,
मैंने कभी टेलीविजन शोज का ड्रामा या रियलिटी करने का सहारा नहीं लिया, और दूसरा मैं पारंपरिक लोक संगीत जो आज भी आप देखेंगे मंच पर 4 बजे जो हम लोग कार्यक्रम, तो पारंपरिक लोक कलाकारों को बढ़ावा देने का काम कर रही हूँ, पारंपरिक लोकविधा को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो वो शायद लोकप्रियता कुछ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ये कदम की अपेक्षा नहीं थी, और कुछ लोग जिनकी अब दुकान बंद हो जाती है तो विवाद के जरिए ही टीवी पे आते हैं। बहरहाल जो भी हुआ उससे 2 बातों में बड़ा लाभ हुआ, एक तो ये कि मुझे बड़ा नाम मिल गया, दूसरा बिहारी भोजपुरी अकेडमी का बड़ा नाम हो गया। तो जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने फ़ोन किया मुझे, मैंने जब कहा मैं वापस कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, अब क्यों वापस कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए इतनी गरिमा शालीनता हम लोगों ने खुद सीखी है कि मैं अवध की हूँ, वहाँ तो राम ने राज्य छोड़ दिया था बात उठने पर, अपनी स्त्री को छोड़ दिया था, और वो आदर्श ही रखा था कि विवाद में कोई चीज़ आए उस पर आप डिबेट कर सकते हैं कि गलत था कि सही, लेकिन आदर्श यही रखा कि विवादित चीज़ से जुड़ने का कोई लाभ नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, कारण ये कि कलाकार बड़ा है पद नहीं, मेरी अपनी मेहनत, मेरा अपना व्यक्तित्व, मेरी अपना कृतित्व जो मैं गा रही हूँ पब्लिक उसकी वजह से जुड़ी रहेगी, एक पद की वजह से नहीं। मैं भी इसको सड़क पे खींचूं, मैं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, मैं भी एक जुलूस निकालूं, क्या इस दिन के लिए हमने गाना बजाना किया है। तो यदि किसी को उसके जरिए प्रचार चाहिए तो वो ले, मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने तुरंत उसको छोड़ा, इतनी सी बात थी। मालिनी जी आपके बहुत सारे फैंस हैं और आपके लिसनर्स हैं, क्या मैसेज आपको? मैं अपने सारे सुनने वालों को और दर्शकों को भी और सुनने वालों को यही कहूँगी कि सब तरह का संगीत सुनिए, लेकिन लोक संगीत को भी थोड़ी सी तरजीह, थोड़ी सी जगह ज़रूर दीजिए, और लोक गीतों को ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। अपने घरों में ही देखिए तो आपकी दादी, आपके बाबा, आपके यहाँ शायद जो धोबी आता है, आपके यहाँ जो दूध वाला आता है, आपको जो टैक्सी में बैठाता है, इन सब के पास लोक गीत हैं। आप लोक गीतों को सुने और कोशिश करें कि जिनको आप पसंद करते हो ऐसे म्यूज़िक पर्सनालिटीज़ हों, यदि वो उसको प्रचार प्रसार में सब संगीत गाएं, लोकगीत भी एक गाएं, घरों में भी शादियां हों, जनेऊ हो, बच्चे का मुंडन हो। तो मुझे मालूम है नई पीढ़ी कहती है कि नहीं भाई डीजे होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए, लेकिन घर में यदि औरतें ढोलक बैठ करके बजाती हैं तो वो गाना भी सुनिए। अपनी लड़कियों को लोकगीत बोलिए कि थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, 2-4 लोकगीत तो ज़रूर आए उनको, यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।